नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं इंदौर, और इंदौर में हम बनाएंगे खजराना गणेश मंदिर का ब्लॉग। मेरे साथ मेरे दो चार मित्र भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और चलिए आज का ब्लॉग प्रारंभ करते हैं। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे। अब देखते हैं कितना हमें क्या करना है, और साथ में हम यहाँ पे धूप बत्ती और अगरबत्ती भी ले लेंगे। मुंह हाथ पांव सब धुलना पड़ता है, पवित्र हो जाता है। वैसे मैं नहा के आया था, पर मुंह हाथ धुल लिया लोगों के कहने पर। भैया मंदिर में प्रवेश कर लिया है और अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का क्या सिस्टम है मेरे दोस्तों को पता है, तो सब उन्होंने उनकी गाइडेंस में सब हो रहा है। दोस्तों मिले मेरे दोस्तों से, ये कुछ धूर्त दोस्त आए मेरे साथ, बहुत ही धूर्त हैं। तो आप लोग इनको पहली बार देख रहे होंगे, ये हमारे TIT कॉलेज में पढ़ते थे। इनको पता है, आपने अगर TIT वाला ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें फीस बढ़ती कॉलेज में, वो देख सकते हैं आप। यही थे और ये स्टूडेंट हैं, इनको हम ले गए, बच्चे हैं तो थोड़ा इनको बोला कि घुमा दिया जाए, और वो भी बच्चे हैं, साथ में दो बच्चे रहते हैं, बच्चों को घुमाना चाहिए, इसलिए हम लेके आए। तो आप सबको कैसा लगता है आने के बाद? यहाँ आके बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो गया है, बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। इतना शांति मिल रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। इनको कुछ नहीं लग रहा है, मुद्दा पता है क्या है? इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर लिया है, तो पाप को धुलने आए हैं। तो मैंने बोला चलो, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्ते में से एक ये है कि मंदिर में दर्शन किया जाए। अभी हमने जहाँ से प्रसाद लिया, तो उस दुकान के बारे में हमें एक ये चीज़ पता चली कि दुनिया की सबसे महंगी दुकान है, और उसका जो रेट है ऐसा है कि 2.5 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट पर है। तो भैया क्या ही बेचता, हमने लड्डू लिया, मतलब इतने अमीर हो गई है, इतने अमीर हो गए। और क्या, कुछ पता नहीं भाई, इतने महंगा कैसा है, क्या सीन है वहाँ का। भैया ये भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, कैसी हो जी? यहाँ तो भैया देखो, ये भैया भाई साहब उनको प्रसाद खिला रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे ऐसे लोग दान दक्षिणा करते रहते हैं। मोदक था, काफ़ी स्वादिष्ट है। भैया दर्शन कर लिया, प्रसाद भी खा लिया, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए देखेंगे कहाँ जाना है हमें। मेरे दोस्त तो बोल रहे हैं कि कहीं और चलते हैं या मॉल चलते हैं। मैंने बोला देखते हैं अभी क्या सीन बनता है, अभी तो बहुत ज़्यादा समय भी है। भैया लड्डू हमने यहाँ से लिया था, और ये क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी दुकान है, और इसका जो प्राइस है 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, सोचिए। भैया मंदिर के बाद हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद निष्कर्ष निकला कि हमें जाना चाहिए फिनिक्स मॉल। तो देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, कुछ ये बच्चे कह रहे थे कि ले चलो भैया, ये करके रोटी आ जाती है। हमने जो प्लान बनाए ना, वो वाटरफॉल तक के बनाए थे। हाँ। वाटरफॉल के बनाए, उसके कहेंगे एडवेंचर पार्क। हाँ, एडवेंचर पार्क ही बनाए। अरे हम ओमकारेश्वर उज्जैन तक का बना चुके थे, फिर फाइनली हमने सोचा 2-3 किलोमीटर में जो है वो घूम लो, बस मॉल। क्या घूमना हर जगह है, पर सुविधाओं के खेत में हम जा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास बाइक नहीं है और कार भी नहीं है। तो भैया अब हम पहुंच चुके हैं फिनिक्स मॉल, दोस्तों के आग्रह पे। हमने बहुत संघर्ष किया आने के लिए। हम ऑटो वाले को 3 किलोमीटर बताया, और 3 किलोमीटर से हम 6 किलोमीटर आ गए। अब मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, क्या ही मनमोहक दृश्य लग रहा है, क्या ही सुंदर। और दोस्त कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मॉल में आके? बस आईना मिल गया तब खुशी हुई है। अच्छा ही लग रहा है, हम काफ़ी देर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें अब भूख भी लग रही है। तो देखते हैं आगे तक प्लान क्या बनता है। तो भैया आ गए मॉल, मॉल का दृश्य क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? भैया जी नहीं बता रहे हैं, त्रस्त हो गए हैं। ये लगभग घूम लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अब देखते हैं क्या होगा। कहाँ जाने का प्लान है? 56 मैं तो 55 जाऊँगा, 56 में हो गया जो होना था। हाँ तो भैया हमने अपना डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया है, अब हम जा रहे हैं 56 की ओर। हमारी हालत हो गई है लस्ट, हम हो चुके हैं मिट्टी पलीत, मतलब बिल्कुल हालत गंभीर है। भैया लाइट, ओ माई गॉड। तो
चलते हैं, थक गए एकदम से, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, पर इन लोगों की आग्रह पे जाना ही पड़ रहा है कि चलो भैया चलो, तो चल रहे हैं। चलिए आप भी यहाँ का, ये जो फिनिक्स मॉल है लगता है गांव में बना है भाई, गांव में, शहर में बसाओ इसको, इसको अब ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत बेकार है, मज़ा नहीं आया। अभी 56 आ चुके हैं और 56 में अब देखते हैं क्या हमें खाना है क्या पीना है, कुछ ना कुछ देख लेंगे। और यहाँ का माहौल काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है, काफ़ी यहाँ पे हरे भरे लोग आए हैं, यू नो हरे भरे, नहीं आए तो कमेंट करना। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या माहौल बना हुआ है। मैंने अभी लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला इसको 56 इसलिए बोलते हैं, यहाँ की 56 दुकानें हैं, कैसा भी हो मुझे तो पता नहीं। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का प्राइस क्या है हमें कुछ आइडिया नहीं है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बनता है। बाकी वेराइटीज़ ऑफ फूड है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारा ब्लॉग भी मैंने देखा था यहाँ की कि हाँ यहाँ ये मिलता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ क्या बनता है, हो सकता है वीडियो लंबी हो रही हो तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ, अगर नहीं बनाया तो यही देखिए। भैया ये काहे की चाट है? खोपरा पेटी से बताऊँ। स्वादिष्ट लगा आपको? हाँ मैं एक बार खा के जा चुका हूँ तो टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा, फेमस है आके। ओके, खोपरे की चाट है, देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है और ये चटनी इसकी बिल्कुल रीवा जैसी है भाई, देखते हैं कैसा स्वाद लगता है। एक नंबर का है भाई, खट्टी मीठी चटनी बहुत ज़्यादा बढ़िया चटनी इसकी खोपरे की, एक नंबर की थी, लेकिन मेरे दोस्तों को काफ़ी तीखा लगा, एकदम से अजीब लाल हो गई। कुछ तो है फेमस था तो हम ले लिए बस। ये दुकान काफ़ी फेमस है भैया यहाँ की, ये सारे वेज का कोई सा हॉट डॉग है, काफ़ी स्वादिष्ट है लोगों के लिए, मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि भरोसा नहीं है, तेल नहीं है, बहुत बढ़िया इनको लग रहा है। भैया बना मंगा लिया है छोला कुलचा, देखते हैं इसका स्वाद कैसा होगा। बड़े मज़ेदार, बड़े मज़ेदार, क्या लग रहा है? भाई 100 रुपये में आगे लग गया, कुल मिला के अच्छा मिला, अब मैं ट्राई करता हूँ। का स्वाद है, मजा नहीं आया बिल्कुल भी भाई, ये मात्र 50 रुपये का, कितना महंगा है। क्या भैया कैसा लग रहा है चूना लगने के बाद? दो लोग खा रहे हैं वेफल्स, बहुत महंगा है भैया, बहुत ज़्यादा महंगा है, 100 रुपये का भाई, 200 का। रुकने के बाद कैसा लग रहा है? अरे धक धक, दोनों हिस्सा बांटो मेरा, अरे मेरा भी हिस्सा बांटो, ठीक है 100 रुपये के हिसाब से वर्थ इट है यार, मज़ा आ गया खा के। 50, अरे मतलब दो लिए ना तो 100 रुपये। एक नंबर का स्वाद भाई।